जैसे कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन 4.0 जो है वो शुरू होने वाला है, लॉकडाउन 3.0 जो है वो होने वाला है समाप्त सिर्फ 2 दिनों में। और प्रधानमंत्री जी ने भी जो लॉकडाउन 4.0 की है वो अनाउंसमेंट कर दी है, और उसमें ये भी कहा है कि इस बार का जो लॉकडाउन होने वाला है वो पिछले लॉकडाउन से काफी अलग होने वाला है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार का जो लॉकडाउन होगा उसमें काफी सारी रिस्ट्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी, और काफी सारी दुकानें जो वो ओपन भी हो जाएगी, और काफी सारी छूट छाट भी मिलने वाली है। तो समय के साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। तो आज का इस वीडियो का मेन टॉपिक है GTA 5 प्रीमियम एडिशन। हाँ दोस्तों, जो GTA 5 प्रीमियम एडिशन है वो लॉन्च हो चुका है एपिक गेम्स की वेबसाइट पे। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि हम एपिक गेम्स की वेबसाइट के अंदर से हम GTA 5 को कैसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो है अगर साइन अप करते हैं एक ही मेल आईडी से तो आप एक ही मेल आईडी के थ्रू आप एक ही कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना हो तो आपको पिछले कंप्यूटर में से वो गेम को जो है अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको GTA 5 जो प्रीमियम एडिशन है उसको आपको आपके कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए कुछ प्रोसीजर है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले ओपन करना है एक ब्राउजर। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने वेबसाइट का नाम लिखना है epicgames.com। ये वेबसाइट का नाम लिखने के बाद इंटरफेस कुछ खुलेगा ऐसा। सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, साइन इन का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है वो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो क्लिक करना है साइन अप। अब साइन अप का जो ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आपको क्या करना है, आपका पहले फर्स्ट नाम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालने के बाद डालना है आपको डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम में कुछ है, इसमें यूजर नेम वाला सिस्टम है। जैसे कि हम फेसबुक जो है वो लॉग इन करते हैं तो फेसबुक का सॉरी साइन अप करते हैं, साइन अप के बाद उसमें आता है यूजर नेम का ऑप्शन। यूजर नेम में कैसा होता है कि जैसे कि आप कोई नाम डाल रहे हो, अगर नाम किसी और ने वो यूज कर लिया है तो आप वो नाम नहीं यूज करते। सिंपली डिस्प्ले नेम में भी यही सिस्टम है, तो आपको इसमें वो नाम डालना है जो और किसी ने यूज नहीं किया और जो इस सिस्टम में अवेलेबल हो। तो फिर हम यहाँ पे आप कोई भी आप नाम डाल सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डालना है मेल आईडी, जो आपका जो मेल आईडी जिससे आप इसमें साइन अप करना चाहते हो। मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे डालना है आपको पासवर्ड। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे ये जो दो टिक है वो आपको क्लिक करके यहाँ पे दबाना है कंटिन्यू। कंटिन्यू दबाने के बाद कुछ ऐसा एक वेरिफिकेशन का जो एक ब्लॉक खुलेगा, उसमें क्या होगा कि जो एपिक गेम्स का जो सर्वर है वो आपके मेल आईडी पे भेजेगा एक वेरिफिकेशन कोड, और वेरिफिकेशन कोड जो आपको भेजेगा वहां से आपको आपकी मेल आईडी ओपन करनी है। मेल आईडी ओपन करने के बाद आपको जो वहां से वेरिफिकेशन कोड मिलेगा उसको आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। इससे क्या होगा कि आपका जो ईमेल होगा वो मेल एपिक गेम्स की वेबसाइट पे, एपिक गेम्स के सर्वर पे वो हो जाएगा सक्सेसफुली रजिस्टर। फिर आपको वापस क्या करना है, वापस यहाँ पे URL पे लिखना है epicgames.com। epicgames.com के बाद क्लिक करके एंटर क्लिक कीजिए। एंटर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस बार आपको क्लिक करना है साइन इन के ऊपर। इनके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें इधर डालेंगे अपनी इंफॉर्मेशन, मेल आईडी एंड पासवर्ड। लॉन्चर जो है दोस्तों वो हो चुका है इंस्टॉल। ये देखिए, अब ये जो लॉन्चर इंस्टॉल हुआ, अब ये स्पेशली लॉन्चर को अभी डाउनलोड करेगा, फिर उसको मेन जो है गेम जहां से हमें इंस्टॉल करनी है वो उसमें से हम इंस्टॉल कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इंस्टॉलर है वो जो लॉन्चर जो इंस्टॉलर है वो अपना लॉन्चर डाउनलोड कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि मेरा इंटरनेट काफी स्लो चल रहा है, इससे ये प्रॉब्लम आ रही है, पर डोंट वरी, ये कुछ 5 मिनट्स में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लगभग जो है वो थोड़ा सा तो इंस्टॉल हो चुका है, पर थोड़ा सा और टाइम लगेगा। लॉन्चर इंस्टॉल होने के बाद जो इसके बाद जो उसका जो शॉर्टकट है वो एक डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो सिंपली हमें उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये टोटली जो वर्क कर रहा है वो ऑन इंटरनेट बेस पे उनके सर्वर से कनेक्टेड है। उसके बाद वैसे ही हमें 2 सेकंड के लिए और रुकना है। 2 सेकंड के रुकने के बाद यहाँ पे वही ऑप्शन आ जाएगा GTA 5 का डाउनलोड करने का। फिर यहाँ पे वो ही करना है जो हमने जो पहले किया था, क्लिक करें GTA 5 पे।
फिर क्लिक करें ओन पे। ओन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें क्लिक करना है इंस्टॉल के ऊपर। इंस्टॉल करने के बाद ये पूछेगा कि आपको GTA 5 जो है वो आपको कौन से लोकेशन पे, कौन से पाथ पे आपको इंस्टॉल करना है। सिंपली कुछ भी नहीं करना है हमें, यहाँ पे हमें क्लिक करना है इंस्टॉल पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो GTA 5 जो है वो अभी इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। यहाँ पे ऐसा लिखा ड्यू टू हाई डिमांड बैंडविड्थ इन द सम रीजंस मे बी टेम्परेरी लिमिटेड, मतलब कि हाई वाले अपने जैसे जो जितने भी सब है जिसे ये गेम चाहिए वो भी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसके वजह से तो उनका सर्वर है काफी स्लो चल रहा है। तो मैं आपको ये राय देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये गेम अगर जल्दी इंस्टॉल करना है तो रात को आप इंस्टॉल करके रखें, सुबह आप इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगी। ये जो गेम है टोटल है ये 94 GB की, तो मेनली आपको इसके लिए स्पेशली रात को ही इंस्टॉल पे रखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और वो जो लाल बटन जो है सब्सक्राइब का आप उसे क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो एकदम फ्री है। और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन का बटन है उसके ऊपर भी क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए, ताकि कि आपको मेरी सारी जो न्यू वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती है। धन्यवाद।